regarding our session is online, so please read this carefully and understand this and do practice of these questions. So we are starting from exercise number 1.2, which is in your book. Question number 1 is, write the place where you colored or circled digits in the following numbers. Kya karna hai hame ki koi bhi number hame diya hoga, usko place value karna hai aur usko us number pe likhna hai. और किस तरह हमारे पास या तो कलर डिजिट होगा, जैसा मैंने अभी यहाँ पर एक कलर डिजिट लिखा है, या फिर इस तरह उसको सर्कल किया हुआ होगा. क्या होगा? या वो कलर डिजिट होगा या वो सर्कल होगा. आपके पास क्वेश्चन क्या होगा? राइट द प्लेस व्हेन यू कलर्ड और सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर. यानी कोई भी आपके पास नंबर दिया गया होगा और उसको आपको क्या करना है, सर्कल डिजिट को आपने वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ले. यानी कि हमारे पास 6 डिजिट है और 6 डिजिट क्या होते हैं, ले की तरह जाते हैं. तो जो 8 है वो हमारे पास 10,000 में आ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 80,000. और हम चाहें तो इसको नंबर्स में भी लिख सकते हैं, 80,000. ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास बी, वो भी इसी तरह होगा. मैंने सर्कल कर दिया है, एक डिजिट जो है हमारा वो सर्कल हुआ पड़ा है, कलर्ड भी है. तो क्या यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ले, टेन ले. इसी तरह हमें पता चल रहा है कि ये थाउजेंड हंड्रेड्स में वैल्यू आ रही है. क्या? वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो हंड्रेड्स का टू जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस में है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 200. और इसी तरह सी ऑप्शन जो है वो भी इसी तरह है. फोर जो है हमारे पास सर्कल डिजिट है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो ही सर्कल डिजिट. यू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और टेन थाउजेंड. यानी कि फोर जो है हमारे पास वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 14,000. ठीक है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. नाम तो सुना होगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू में अक्सर आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि फेस वैल्यू है क्या. फेस वैल्यू कोई भी नंबर जो वो खुद हो, कोई भी डिजिट वो खुद होगा. हमें इवन कोई भी नंबर गिवन ना हो या कुछ भी, लाइक यहाँ पे एक नंबर गिवन है कि हमें इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो, और फेस वैल्यू भी फाइंड करनी है इसी नंबर की, तो फोर जो है वो सिर्फ अपना खुद ही नंबर होगा. क्या होगा? फोर जो है वो प्लेस, फेस वैल्यू में खुद ही फोर होगा और कोई भी डिजिट उसके साथ नहीं होगा. यानी कि जो वैल्यू ऑफ फेस डिजिट इट सेल्फ इज द फेस वैल्यू. यानी कि वो डिजिट जिसकी अपनी ही वैल्यू हो वो खुद फेस वैल्यू है, पर प्लेस वैल्यू में उसका अलग पॉजिटिव. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर. यानी कि हम यहाँ पर प्लेस में डिफाइन कर रहे थे, तो प्लेस वैल्यू क्या है, जो पोजिशन उसकी है नंबर की, डिजिट की, अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी पोजिशन, अपनी जगह है, हमें वो बतानी है कि वो किस जगह पे. जैसे यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. यानी कि हमारे पास जो फोर डिजिट है वो टेन थाउजेंड्स की जगह पे है, तो ये क्या होगा हमारे पास, प्लेस वैल्यू. एग्जाम्पल में मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है कि इसका फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ थ्री इन गिवन नंबर. यानी कि थ्री जो है, थ्री डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है और फेस वैल्यू भी फाइंड करनी है. और एक नंबर मैंने आपको दिया है यहाँ पे, और वो ये है 384,178. यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ले. तो थ्री जो है हमारे पास वो प्लेस वैल्यू में क्या आ रहा है, थ्री ले. चाहे तो हम उसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम उसको नंबर्स में भी लिख सकते हैं. फेस वैल्यू हमारा थ्री का क्या होगा, थ्री. यानी कि वो नंबर खुद ही होगा. क्या होगा? वो नंबर खुद ही होगा हमारे पास. तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है क्या. उसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक पे, वो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंड लफ्ज का मतलब आपको पता होगा कि यानी किसी भी चीज़ को फैला के फैलाना, अलग अलग करके लिखना, दूर दूर करना. एक्सपेंड मतलब फैलाना, ज़्यादा उसको आसान दोनों में हम कहेंगे फैलाना. तो हमारे पास मैंने सेम यही नंबर ऊपर आपके एग्जाम्पल वाला लिया हुआ है, जो है 384,178. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वंस जो है वो एट है, सेवन जो है वो हमारे पास टेन से, वन जो है वो हमारे पास हंड्रेड से, फोर जो है हमारे पास थाउजेंड से, एट, टेन थाउजेंड, और थ्री जो है वो ले. और यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग करके भी लिखा है. तो हमें पता है एट जो है वो वन से, तो वन जो है वो अकेला वर्ड होता है, यानी कि कोई उसके साथ नहीं होता. टेंथ जो है वो
थाउजेंड यानी कि 10,000 तो 8 को हमारे पास वैल्यू दी गई, 8 जो है वो 10 टाइम उसपे थाउजेंड आएगा तो 80,000 यानी कि 8 में 10,000 यानी कि ये थाउजेंड की वैल्यू है, 80,000 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद लेक, तो ये 3 लेक हो जाएगा हमारे पास। तो हम 3 लेक को किस तरह लिखते हैं, हमारे पास 6 डिजिट है, लेक्स में क्या होता है 6 डिजिट होते हैं और थाउजेंड पे हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन अगर 10,000 की बात आए तो वहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट होते हैं, हंड्रेड्स में हमारे पास 3 डिजिट होते हैं, टेंस में हमारे पास 2 डिजिट और मंथ में 1। तो उसको एक्सपेंड करके जब हम लिखेंगे तो 3 लेख प्लस 80,000 प्लस 4,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि हर वर्ड को हर नंबर को अलग अलग करके लिखाना सीखना फैलाना, अगर नंबर्स की फॉर्म में एक्सपेंडेड आती है बात, एक्सपेंडेड की बात अगर नंबर की फॉर्म में आ जाए तो ये मतलब हम इन चीज़ों नंबर को अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे, कोई भी वैल्यू हो उसको आप सॉल्व करके देखें और समझें तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। इसको आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप उनको भी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।